अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी एक कार है जो होंडा सिटी 2020 का मॉडल है। इसमें एक फॉल्ट था, मैं बहुत घूमा फिरा हूँ, बहुत थक गया हूँ, तो फाइनली मैं आ गया अबिद उस्ताद के पास, जो उनका भाई है फजल अमीन उस्ताद। तो उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर मिला जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच फजल अमीन उस्ताद। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कस्टमर कंसर्न तो आपने सुनी वीडियो के शुरू में। गाड़ी हमारे पास मौजूद है 2020 मॉडल होंडा सिटी, और स्टार्टिंग का इशू आ रहा है स्पेशली पेट्रोल पे। अभी गाड़ी स्टार्ट आई है चल के वर्कशॉप में, लेकिन सीएनजी पे डायरेक्ट किया हुआ था, तो पेट्रोल का इशू आ रहा है। भाई साहब जो हैं इलेक्ट्रिशियन के पास गए हुए थे, लेकिन उन्होंने बोला उसको कि भाई इसका कंप्यूटर का मसला आ रहा है, कंप्यूटर में कोई ख़राबी है, आप उनको दिखा दें। यहाँ वर्कशॉप में आके जो है एड्रेस पे पहुँचे भाई साहब, तो मेन इशू जो स्टार्टिंग का आ रहा था पेट्रोल पे, वो एडवांसर की वजह से आ रहा था। ये पुराना वाला जो एडवांसर लगा हुआ था तो शॉर्ट सर्किट था इसके पीसीबी सर्किट में, जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा था। अभी पुराना हटा के हम दूसरा नया लगा रहे हैं, और स्टार्टिंग का मसला हल हुआ, कोई इशू नहीं, बिल्कुल ईजिली स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिशियन ने सही तरीके से इसको डायग्नोज किया हुआ नहीं था। बेसिक मसला इसमें था कि भाई इंजेक्शन स्प्रे नहीं हो रहा था, जो फ्यूल इंजेक्टर हैं ज़ाहिर बात है वो स्प्रे नहीं करेंगे तो पेट्रोल पे स्टार्ट होगा नहीं, तो ये मसला आ रहा था। एडवांसर इसका ख़राब था, अभी नया लगाया, उसमें बिल्कुल A1 ईज़िली स्टार्ट हो रहा है, कोई ट्रबल शूट नहीं, कोई मसला नहीं। ये आप देख सकते हैं इसका जो अंदर ये क्या कहते हैं इसको क्लस्टर मीटर, आप देख सकते हैं ये ईज़िली स्टार्ट हो रहा है पेट्रोल पे भी और सीएनजी पे भी कन्वर्ट होकर बिल्कुल A1। तो बुनियादी मसला इसमें ये आ रहा था कि भाई ख़राब था एडवांसर, जिसकी वजह से इस तरह के कीमती इन्फॉर्मेटिव वीडियो शायद यूट्यूब पे आपको ना मिले हमारे चैनल के अलावा। और हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ, ताकि और लोग भी इसे फ़ायदा उठा सकें।